Assalamu alaikum. And with this, inshallah, it is done. The Life TV. Sach sabse aage. This is about inclusion, peace, and freedom of religion. Assalamu alaikum. And with this, inshallah, it is done. Yes. इस वीडियो में जिस व्यक्ति को आप इंशा अल्लाह और सलाम वालेकुम बोलते सुन रहे हैं वो अमेरिका के बड़े शहरों में से एक मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या होती है, चाहे फिर वो अमेरिका का लोकतंत्र हो या भारत का लोकतंत्र हो। उन लोगों के लिए यह खबर एक करारा मैसेज के तौर पर है जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मुसलमानों की आस्था पर चोट करते हैं। उन्हें मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे को सुनना चाहिए। जैकब फ्रे एक अध्यादेश पर साइन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा सलाम वालेकुम इंशा अल्लाह, और इस अध्यादेश में जो साइन हुआ है, जो मेमोरेंडम बना है, उसे सुनेंगे तो और आपको आश्चर्य होगा कि काश ऐसा भारत में भी मुसलमानों के प्रति प्यार और उनकी आस्था का सम्मान किया जाता। दरअसल मेयर जैकब फ्रे ने उस अध्यादेश पर साइन किया है जिसमें अमेरिका के मस्जिदों से अब 5 वक्त के अजान को स्पीकर पर, लाउड स्पीकर पर सुना जा सकता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रेयर कर सकें। इस संबंध में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जैकब फ्रे ने कहा कि दिस इज अबाउट इंक्लूजन, पीस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि यहां पर जो भी लोग जिस धर्म के हैं उन्हें अपने धर्म को मानने का हक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करने का अधिकार है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जैसे हम चर्च में घंटे की आवाज सुनते हैं या फिर सोफर ब्लो होता है तो वो सुनते हैं, तो ऐसे ही नमाज पढ़ने से पहले अजान की आवाज सुनना भी जरूरी है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यह जरूरी है। उन्होंने इस पर साइन कर दिया है और यह अध्यादेश लागू हो गया है। तो आइए जरा सुनते हैं जैकब फ्रे ने क्या कुछ कहा है। प्रेयर, दिस इज अबाउट इंक्लूजन, पीस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अस्सलामु अलैकुम। एंड विद दिस इंशाल्लाह इट इज डन। तो सुना आपने, जैकब फ्रे ने जो बातें कही हैं वो लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए बेहद जरूरी हैं। किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट ना हो, हर किसी को अपने अपने धर्म के कद्र करने का हक है, उनके जो आस्था हैं उसे बनाए रखने का हक है। जैकब फ्रे ने यही कहा है कि अब मस्जिद से 5 वक्त के अजान को हर कोई सुन सकता है, ये उतना ही जरूरी है जितना बाकी धर्म के लोगों के लिए अपने अपने आस्था को मानना, उनका सम्मान करना जरूरी है। इस संबंध में कई वेबसाइट्स ने वहां पर खबरें भी प्रकाशित की हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इसमें एक खबर हमने CNA से लिया है, कैथोलिक न्यूज एजेंसी से। इन्होंने जो बातें कही, हेडलाइन में देखिए, मिनियापोलिस बिकम्स फर्स्ट लार्ज US सिटी टू अलाउ इस्लामिक प्रेयर कॉल्स ओवर स्पीकर। इसमें कहा गया है कि मिनियापोलिस एक ऐसा US का बड़ा शहर है, पहला ऐसा शहर बना है जो इस्लामिक प्रेयर को स्पीकर पे अलाउ कर दिया है। इस संबंध में मेयर ने अध्यादेश पर साइन भी कर दिए हैं। इसमें क्या लिखा गया है, द मेयर ऑफ मिनियापोलिस ऑन मंडे साइंड इनटू लॉ अ न्यू ऑर्डिनेंस अलाउइंग द इस्लामिक कॉल टू प्रेयर और अदान टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन लाउड स्पीकर्स फ्रॉम द सिटीज नियरली 2 dozen मॉस्क्स 5 times a day, including at dawn and late evening। यानी अब इन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है कि मिनियापोलिस के मेयर ने इस पे एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ताकि यह अध्यादेश उन्हें अनुमति दे जो भी लोग मस्जिद के अजान को सुनकर नमाज पढ़ते हैं उन सबको 5 वक्त का यह अजान सुनाई देगा, वो भी स्पीकर पर सुनाई देगा। जबकि अगर इसे आप भारत से जोड़ करके देखेंगे तो भारत में स्थिति कुछ और है। भारत में आप उत्तर प्रदेश चले आइए, वहां पर तो सबसे पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दिए गए क्योंकि वहां अजान की आवाज कई लोगों को डिस्टर्ब करने लगी थी। आखिर इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जब हम
दशहरा दिवाली सब मनाते हैं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, या फिर भाषण करते हैं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, उनसे किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर लगे थे, या फिर कुछ धार्मिक स्थल जैसे मंदिर थे, मंदिर पे भी लगे थे, उन सब से हटाने की अनुमति दे दी गई। क्या लोकतंत्र में धार्मिक समावेश की बात नहीं होनी चाहिए? जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, हर कोई मिलजुल कर रहे, हर किसी के आस्था का सम्मान हो। भारत में जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश शुरू हो गई है। हिंदू मुस्लिम करके देश में नफरत की खेती की गई है। और उत्तर प्रदेश में बार बार यह देखा गया कि कैसे मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ। इतना ही नहीं, भाजपा शासित जो भी राज्य हैं, कैसे कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया, असम में मदरसे गिराए जाने लगे, मध्य प्रदेश में अब मदरसों के सर्वे की बात कही गई है, यूपी में मदरसे के सर्वे की बात कही गई है, उत्तराखंड में मजारें ध्वस्त की जा रही हैं। खैर, अगर वो अवैध कब्जे की जमीन पर बनी हुई है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन वहां क्या खबर आई? टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबरें प्रकाशित की कि मजार से 10 गुना अधिक संख्या में उसी अवैध कब्जे वाली जमीन पर मंदिर के भी निर्माण हुए हैं, जबकि 100 से अधिक मजारें ध्वस्त कर दी गई, मंदिर को नहीं छुआ गया। तो ये जो भेदभाव की स्थिति है उस पर तो सवाल उठेंगे। अब अमेरिका जैसे इतने डेवलप्ड कंट्री में, वहां के एक बड़े शहर मिनियापोलिस के मेयर जब यह कहते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी वालों को पूरा अधिकार है, जैसे बाकी धर्म के लोगों को अधिकार है, वो भी लाउड स्पीकर पर कम से कम उन्होंने 24-25 मस्जिदों को ऐसे अनुमति दी है कि वो सब स्पीकर पर अजान दे सकते हैं, 5 टाइम्स का अजान सुना जा सकता है। लेकिन भारत में अगर कोई इसकी हिमाकत करेगा तो उसके खिलाफ ना जाने कैसी कैसी बातें कही जाएंगी। अगर कोई हिंदू कम्युनिटी से मुसलमानों के लिए बोलना शुरू कर देता है तो उनके खिलाफ लोग ना जाने क्या नहीं बोलना शुरू कर देते हैं। आखिरकार क्या भारत में मुसलमानों को अपने अधिकार के साथ जीने का हक नहीं है, अपने आस्था के साथ चलने का हक नहीं है? क्यों बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है? यहां पर उनके आर्थिक बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया जाता है। पर्व त्योहारों पर, हिंदू के पर्व त्योहारों पर, चाहे करवा चौथ हो, गरबा हो, डांडिया हो, दशहरा का मौका हो, हर वक्त यह कह दिया जाता है कि मुसलमानों से परहेज करना है। क्या वो इंसान नहीं होते? जब अमेरिका इतने बड़े बड़े फैसले ले सकता है तो फिर भारत में इस तरीके से दिक्कत क्यों हो जाती है? इसको लेकर सवाल तो उठेंगे। भारत में जब मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई नहीं दे इसके लिए लाउड स्पीकर हटवा दिए जाते हैं, तो उसी वक्त अब अमेरिका में यहां पर अलाउ किया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है कि नहीं, आप जो है ऐसा कर सकते हैं। इस संबंध में जो खबर है, थोड़ा सा और डिटेल में देखिए क्या कहा जा रहा है कि मिनियापोलिस इज होम टू अ लार्ज सोमाली इमिग्रेंट पॉपुलेशन व्हिच इज क्लस्टर्ड इन द सेडार रिवरसाइड नेबरहुड नियर द सिटीज डाउनटाउन। 3 ऑफ द 13 सिटी काउंसिल मेंबर्स फॉर मिनियापोलिस आर मुस्लिम एंड पुश्ड फॉर द चेंज इन ऑर्डिनेंस, NPR न्यूज रिपोर्टेड। यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि वहां जो मिनियापोलिस शहर है वो सोमाली इमिग्रेंट की जो आबादी है उसका एक गढ़ माना जाता है, और वहां पर जो लोग भी हैं, काउंसिल मेंबर्स हैं, उसमें अधिकतम संख्या में मुसलमान हैं, और उन लोगों ने इस पर एक राय बनाई कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, और मेयर साहब ने उस अध्यादेश पर, उस कानून पर साइन किया है। इसका मतलब साफ है कि अगर भारत में भी 200 मिलियन मुसलमान हैं तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए, उनके आस्था का कद्र नहीं किया जाना चाहिए? भारत भी तो एक लोकतांत्रिक देश है, फिर इस लोकतंत्र में मुसलमानों को दरकिनार करके उनके लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं देकर क्या साबित करना चाहते हैं? दुनिया भारत पर सवाल खड़े करने लगती है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उन पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में अगर खूबसूरती पेश करनी है तो उन्हें अमेरिका के मिनियापोलिस के मेयर से सीखना समझना होगा कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।